होने पर पवित्र पाप नाशक है, सुनने वालों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, अतः सदा इसे सुनना चाहिए। बोले वृंदावन विहार Thank you.
परिवार कहते हैं मैं मुद्रा परिवार भाई
मैंने रोज इनके घर पर परिवार में इनके घर पर बैठकर श्रद्धा करता था। इतनी श्रद्धा भाव तो कहीं खत्म हो जाती है जब आदमी की आंखों में इतना आंसू गिरने लगता है कि हमारे परिवार छपकर चले गए, अब हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसकी यादों में कहते पीछे सोने के लिए इस परिवार को छोड़कर चले। छोटा सा बच्चा हर से अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठा दिया, हाथ बैठा कहते हैं कुल्लर परिवार बैठा है, पेटे वाले कहते हैं मल्होत्रा परिवार यहाँ पर बैठा है। हर से वो भी अपनी माता की तस्वीर के सामने बैठ कर कहते हैं अपनी माँ से यही प्रार्थना कर रहा है कि कभी ने लिखा है कि सुनो मेरी प्यारी माँ, 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 सुनो मेरी प्यारी माँ। अरे
आंदोलन छोड़ कर चली गई। अब उनको अखंडमंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। हे नाथ नारायण नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन के हरिराम की, वरुण महाराज की, परम आदरणीय पंडित जी उपस्थित, माताओं बहनों बंधुओं, आज हमने सोच सभा विचार सभा में उपस्थित हैं। इसे शोक सभा नाम ना देकर सोच सभा विचार सभा नाम दिया जाए ज्यादा बढ़िया रहेगा। विचार करना है, सोचना है। आज हमने जिस सोच सभा में बैठे हैं वह एक ऐसे बच्चे की सोच सभा है, पूर्ण त्याग, पूर्ण तपस्या, सब कुछ किया इसने बच्चे ने इसी उम्र में। यह परिवार बड़ा धार्मिक है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। उस घर में मल्होत्रा परिवार से एक वृक्ष आया लग गया। बड़ी त्यागी बच्ची थी, तपस्वी थी। आज उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से धन वैभव यश दुकान मकान सब कुछ है। परंतु दैव दुर्योग से यह सुख उसे प्राप्त करना नहीं लिखता। असमय उस समय सभी का साथ छोड़ के चले गए। अवश्य है कब मरना है यह पता नहीं है। शास्त्र हमेशा एक ही बात दोहराता है, एक ही बात कहता है कि श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर कर जाओ काम ऐसा, वो शान इस जहां पर सांसों का क्या भरोसा। किसी पे ना सता कभी किसी को, क्या जान कर देना क्या करो। पुराण के अनुसार पढ़ी
बड़े श्रद्धा भक्ति से जो कर्ण महाराज कथा सुनाई सभी बड़े श्रद्धा भाव से सुनी निर्मल बता रहे बच्चे बहुत अच्छे आज के जमाने के ऐसे बच्चे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया उनकी बड़ा इंद्रियों की जाएगा भगवान की कृपा है ईश्वर की कृपा है पूरी अपने स्वयं से कहा गर्व प्राण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका गर्व जी ने प्रश्न किया है और भगवान ने स्वतः उत्तर दिया ये भी उनके से कृपा इन दोनों ग्रंथों का बड़ा महत्व है इससे हमें जीवन जीने की कला आती है गीता जी से जीवन जीने की कला और स्वस्थ रहने की कला दोनों मिलती है तो यहां हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाए कुछ ज्ञान मिल जाए कुछ ऐसी प्रक्रिया मिल जाए जिससे हम अपने जीवन क्रिया को बढ़िया तरीके से फेंके उस पार ले जा सके और साधनाएं आराधना उपासना ये भी तीन प्रकार हम सबसे पहले चलते हैं मनुष्य के प्रकार को जानने कि मानव के प्रकार तीन है हमें आत्म निरीक्षण करना है आत्म निरीक्षण करके यह जानना है कि मैं कौन सी श्रेणी का मनुष्य हूं उत्तम श्रेणी का मनुष्य होता है उसी का कल्याण होता है आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलती है पहला मनुष्य हो है जिसे नर पशु कहते हैं नर पशु कौन होता है कि जो दिए हुए को भोगता है माता पिता का दिया कभी अपनी परवाह किए बिना ही जीवन जीता है अपना सब कुछ दूसरे को समर्पित कर देता है अपना सब कुछ दूसरे के लिए कर देता है और इस संसार को जीना का इच्छा है जीता है जीता ही दूसरे के लिए और उनके हित को जीता है और उनके हित को मर दूसरों के लिए जो समुद्र से
संसार धीरे धीरे चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार यह जीवन है, जीवन भी धीरे धीरे चल रहा है, फिर नष्ट हो रहा है। प्रज्ञा योग साधना किया, शाम को सुबह का किया, सुबह से शाम तक का किया, अपने कर्मों का लेखा जोखा, हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। शाम को अपने बिस्तर पर जाने से पहले बैठ के आंख बंद करके हिसाब करते हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। कोई दूसरा नहीं जानता कि हम क्या करते हैं, हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, कोई नहीं जानता, हम खुद जानते हैं, जानने वाला जानता है। मनुष्य गीता में भगवान कहते हैं मनुष्य ही अपना दोस्त है और यही अपना परम मित्र है। या जो मन है ये मित्र भी है और ये दुश्मन भी है, दोनों। मन को एकाग्र करने का, मन को नियंत्रण करने का सबसे बड़ा जरिया है प्रज्ञा योग के साथ। मन और आत्मा मन का निग्रह हो गया, अगर ये दोनों का दोनों पर नियंत्रण हो गया तो हमारा हम सबका कल्याण हो जाएगा, संतोष हो रहे हैं। इसके तीन साधन बताए हैं, समाज को सुदृढ़ सुशिक्षित सभ्य बनाने का प्रयत्न करना।
ये हमारे हुए हमने पीछे अगर शासन आ गया विपत्ति आ गई आपत्ति आ गई तो हमने किए शुभ प्राप्त होगा क्योंकि हमने किए ये सबसे बड़ा पाप है और अपने वजह से
Thank you.
Shut up.
चिंतन की सेवा। ओम जय जग सभी द्वारे छोड़ के मैं आया हूँ दोबारे तेरे प्रभु आया हूँ दोबारे तेरे चरणों की भक्ति चरणों की सेवा दी जो बख्शो अवगुण मेरे। ओम जय जग जय जग ईश्वर स्वामी जय दीनानाथ दाता जय जय भोलेनाथ परीक्षा